आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ 15 मिनट डेजर्ट की रेसिपी। बहुत ही मजेदार बनता है, डिलीशियस बनता है और बच्चों का तो बिल्कुल फेवरेट होता है। तो आपने वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, इंशाल्लाह रेसिपी आपको जरूर पसंद आएगी। अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले। साथ ही अगर आप न्यू है मेरे चैनल पर तो हम्बल रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें, इससे मेरे जो भी नोटिफिकेशन होंगे वो सबसे पहले आपको मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रेसिपी को। तो सबसे पहले हम जेली बना लेंगे। तो एक सॉस पैन लेंगे और उसमें डाल देंगे 4 कप पानी। मीजर करेंगे तो ये 500 ml है। और अब हम इसमें एक बॉयल आ जाने देंगे। जैसे ही इसमें बॉयल आ जाता है हम इसमें डाल देंगे जेली का पाउडर। तो ये स्ट्रॉबेरी फ्लेवर वाला जेली पाउडर है, तो ये हम इसमें डाल देंगे। यहाँ पर मैंने गैस के फ्लेम को बंद कर दिया था पानी में बॉयल आने के बाद। तो ये देखिए अच्छे से डिजॉल्व हो गया है पूरा जेली का पाउडर। तो अब हम जेली को सेट होने के लिए रख देंगे। और जब तक यहाँ पर जेली ठंडी होकर सेट होती है हम यहाँ पर बना लेते हैं अपना कस्टर्ड। तो यहाँ पर एक पैन लिया है और उसमें हम डाल देंगे 500 ml दूध। तो मैं यहाँ पर बिना बॉयल किया हुआ कच्चा दूध इस्तेमाल कर रही हूँ। और उसके बाद हम इस पर डाल देंगे 1/3 कप शुगर। अगर आप मीज़र करेंगे टेबल स्पून से तो ये 8 टेबल स्पून है। और उसी के साथ डाल दिया है मैंने 1 पिंच नमक। स्पैचुला से अच्छी तरीके से चला के पिला देंगे इसको। और अब हम इसमें एक बॉयल आ जाने देंगे। तब तक हम कर लेते हैं अपनी दूसरी प्रोसेस। तो यहाँ पर एक बाउल में दूध लिया हुआ है मैंने। यहाँ पर दूध रूम टेम्परेचर पर है। तो इसमें हम डाल देंगे 2 टेबल स्पून कस्टर्ड पाउडर। ये वनीला फ्लेवर वाला कस्टर्ड पाउडर है। और उसी के साथ डाल देंगे 1.5 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर। और इन सबको अच्छी तरीके से मिला लेंगे। तो ये देखिए मैंने अच्छी तरीके से डिजॉल्व कर दिया है कस्टर्ड पाउडर और कॉर्नफ्लावर को दूध में। तो ये हमारा एक मिक्सचर तैयार हो गया है कस्टर्ड पाउडर और कॉर्नफ्लावर का। यहाँ पर दूध में हमारे बॉयल भी आना शुरू हो गया है। तो इस तरह से स्पैचुला से चला लेंगे और एक बार स्क्रैच कर लेंगे इसमें जो चारों तरफ मलाई जम गई है। अब हम इसमें डाल देंगे हमारा कस्टर्ड और कॉर्नफ्लावर का जो मिक्सचर हमने बना के रखा हुआ था। तो जब भी आप इस तरह का कोई मिक्सचर किसी दूध या पानी में डालें तो पहले स्पून से इस तरह से चला दें, क्योंकि ये चीज़ें अक्सर नीचे बैठ जाती हैं। तो यहाँ पर मैंने इसको स्पून से अच्छी तरीके से मिला दिया है और उसके बाद सारा मिक्सचर मैंने एक साथ ही डाल दिया दूध में। अब हम स्पैचुला से इसे जल्दी जल्दी चलाएंगे और साइड में जो मलाई जम रही है उसको भी स्क्रैच करते जाएंगे साथ साथ। यहाँ पर गैस के फ्लेम को हम हाई रखेंगे, हाई फ्लेम पर हम ये सारी प्रोसेस करेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये थोड़ा सा थिक होना स्टार्ट हो गया है। अब हम स्पैचुला से टेस्ट करके देख लेंगे जो कस्टर्ड की थिकनेस है वो परफेक्ट है या नहीं। तो स्पैचुला को लेंगे और इस तरह से स्पून से स्क्रैच करेंगे बीच में। तो ये देखिए गैप भी बन रहा है और सेपरेट भी हो रहा है। तो ये हमारा परफेक्ट कस्टर्ड तैयार हो गया है जिस कंसिस्टेंसी में हमें चाहिए था। तो अब हम कर देंगे गैस के फ्लेम को बंद और इसको ठंडा हो जाने देंगे रूम टेम्परेचर पर। तो यहाँ पर देखिए हमारी जेली भी सेट हो गई है अच्छी तरीके से। तो ये देखिए मैंने इसको कस्टर्ड को एक कप में निकाल लिया था और इस तरह से मैं जेली के ऊपर इसे पोर कर दूंगी। और इसके बाद हम इसे स्पैचुला से थोड़ा सा इवन कर लेंगे, चारों तरफ से इसे इवन करेंगे अच्छी तरीके से। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस डिलीशियस सी रेसिपी को। तो अब मैं इसे गार्निश कर रही हूँ इसे पिस्ता से। और उसके बाद मैं इसमें डाल दूंगी ऊपर से थोड़े से स्ट्रॉबेरी चंक्स। तो यहाँ पर आप अपनी मर्जी के मुताबिक जैसा आपको पसंद हो वैसा डेकोरेट कर सकते हैं। और रेसिपी बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होती है। तो आप इसे यहाँ पर अपनी मर्जी के मुताबिक भी डेकोरेट कर सकते हैं। और अब हम इसे रख देंगे ठंडा होने के लिए फ्रिज में तकरीबन 2 से 3 घंटे के लिए। पूरे 3 घंटे के बाद मैंने इसे फ्रिज में से निकाला है। तो ये देखिए इसका लुक इस तरह से, मैं आपको इसका पूरा व्यू दिखाती हूँ। तो ये देखिए कितना टेम्पटिंग लग रहा है ना, है ना। बस तो अब मैं इसे आपको कट करके दिखाती हूँ। तो ये हमारा डिलीशियस और बिना किसी तामझाम के एकदम मज़ेदार सा डिज़र्ट बनके तैयार हो गया है, जो कि बच्चों को तो बहुत पसंद आएगा ही, बड़ों को भी साथ में पसंद आएगा। तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, किसी भी ओकेज़न में बना सकते हैं, बच्चों की बर्थडे पार्टीज़ में बना सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार सा बनके ये तैयार होता है। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स में। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो हम्बल रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर बिल्कुल भी ना जाए। साथ ही मेरे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लीजिएगा जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।